लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पेड़ पौधों पर प्रहार करने से कोई विजय प्राप्त नहीं करता। तुम राक्षस हो और राक्षस ही रहोगे राक्षस। दुर्योधन नहीं, सम्राट दुर्योधन कहो, अन्यथा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था, किंतु तुम मुझे उस वनवासी पर पहले से ही शंका थी। तुम्हारे कारण अर्जुन भी बच गया, केवल तुम्हारे कारण। अर्जुन को अभी मार डालूंगा, अभी करो। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। ये सिद्ध हो जाने के पश्चात कि अर्जुन हनुमान द्वारा रक्षित है, तुम हनुमान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमें बल से नहीं, छल से काम लेना होगा। छल से, छल से, हाँ, छल से, छल से। मुकसुर, अपना मायावी रूप दिखाओ, हनुमान को छलो, छलो उसे। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि हनुमान किसी और ब्रह्म में रहे और तुम अर्जुन का वध करने में सफलता पालो। अपना मायावी रूप दिखाओ, अपना भयानक रूप दिखाओ, ये मेरी आज्ञा है। तुमने ठीक कहा, मैं भयानक रूप बनाऊंगा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राम। हनुमान, भोलेनाथ, हनुमान, तुम नहीं, अर्जुन, अर्जुन। भ्राता अर्जुन, इसका वध मैंने किया है किरातराज। देखो तो भाइयों, ये तपस्वी वध करेगा। ए तपस्वी, इसका वध मैंने किया है। नहीं किरातराज, इस पर बाण प्रहार मैंने किया था। तुम असत्य मत बोलो तपस्वी, इसके प्राण मेरे बाण ने हरे हैं। हनुमान जी, आप तो सत्यवादी हैं, आप ही बताइए कि इस शूकर पर पहले मैंने बाण प्रहार किया था या नहीं। तुम वहीं रुको, मुझे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है तपस्वी। तो इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय युद्ध से होगा। जो युद्ध में विजयी होगा वही प्रमाणित करेगा कि इस असुर का वध किसने किया है। मुझे यह चुनौती स्वीकार है,
तो करो प्रहार, करो। ठहरो तपस्वी, अब भी समय है। यदि तुम स्वीकार कर लोगे कि ससुर का वध मैंने किया है तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। कदापि नहीं किरातराज, तुम पांडुनंदन अर्जुन के समक्ष खड़े हो, जो सत्य नहीं है उसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मेरा एक बाण ही तुम्हें धराशाही कर देगा। तुम बिना कारण ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे अर्जुन। भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए। शस्त्र विहीन किरातराज, अब मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगा, अपनी पराजय स्वीकार कर लो। भोलेनाथ, आप प्रणाम। भोलेनाथ, जय शिव शंकर। उठो अर्जुन, उठो। हम तुम्हारी वीरता पर अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मेरा अपराध क्षमा कीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं अर्जुन, तुमने कोई अपराध नहीं किया, वो तो हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हमने ही अपने माया जाल से दुर्योधन का विवेक हर लिया था, इसीलिए तो दुर्योधन ने मूकासुर को सूकर बनने का उपाय बताया। भोलेनाथ, धन्य है आपकी लीला। अर्जुन, मूकासुर का वध तुम्हारे ही हाथों लिखा था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम पूर्णतया समर्थ योद्धा हो। वीर अर्जुन, भविष्य के महासंग्राम में निश्चित विजय श्री का आशीष देने के साथ साथ हम तुम्हें कुछ दिव्यास्त्र भी प्रदान करेंगे। ये लो अर्जुन। ये दिव्यास्त्र तुम्हें युद्ध में विजयी बनाएंगे, परंतु इसका प्रयोग तुम सोच समझ कर ही करना। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ, इन दिव्यास्त्र को पाकर मैं धन्य हुआ। अर्जुन, ये दिव्यास्त्र निश्चित रूप से अपने लक्ष्य का विनाश करते हैं, इनकी मारक क्षमता भीषण है। आपकी कृपा और वरदान से मैं धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो, हमारे आशीर्वाद से तुम सफलता के पद पर आगे ही बढ़ते रहोगे। विजयी भव। अर्जुन,
कहां खो गए? चलो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। हे बजरंगबली, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है उसका श्रेय आपको भी जाता है। यदि मैं आपके द्वारा रक्षित ना होता तो ये तप, ये आराधना कभी पूर्ण ना हो पाती और भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न ना होते। हे संकट मोचन, आपने जिस कर्तव्य निष्ठा से मेरी सहायता की है उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अर्जुन, वो दुष्ट राक्षस अपने प्राण बचाकर इस प्रकार भागा कि देखते ही बनता था। तुम लोग यहाँ हंसी ठिठोली कर रहे हो, तुम्हारा भाई अब तक नहीं लौटा, तुम सबको कुछ चिंता है? माता श्री, अर्जुन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, कोई दूध पिता शिशु तो है नहीं, वो मेरा भाई है। भीम। माता, जब तक आराधना का फल प्राप्त नहीं हो जाता वो कैसे लौट सकते हैं? माते, आप चिंतित ना हो, यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं जाकर उसे ले आता हूँ। पार्थ, माता श्री, पार्थ आ रहे हैं। प्रणाम माता श्री। उठो पुत्र। माता श्री, आपके आशीर्वाद से मेरी तपस्या और आराधना सफल हुई। देखिए, स्वयं भोलेनाथ ने प्रकट होकर मुझे कैसे कैसे दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस महासंग्राम में हमारी विजय सुनिश्चित है। अर्जुन, तनिक दिव्यास्त्र मुझे दिखाओ। द्रौपदी, अर्जुन को भीतर ले जाओ। जाओ पुत्र, तुम सब मेरे साथ आओ। पांचाली, कुशल से तो हो ना? हाँ आर्य, आप तो सब कुशल है ना? जानती हो पांचाली, अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम्हारी सहायता के लिए हनुमान सदा तुम्हारे पास उपस्थित थे। उनका तो मैं सदैव आभारी रहूंगा भीम। जानते हो, जब दुर्योधन ने दुशासन से मिलकर मुझे मारने का प्रयत्न किया उस समय हनुमान जी ने ही मेरी रक्षा की। इतना ही नहीं, उसने किसी राक्षस का भी सहयोग लिया जिसका नाम था मुकासुर। अरे मुकासुर को तो मैं पहले ही परास्त कर चुका हूँ। परंतु मेरे हाथों से प्राण गंवाने पड़े हैं भीम। शूकर बनकर आया था, अपने बाणों से मैंने उसका मुंह फेंट डाला, अब उसका आतंक समाप्त हो चुका है,
सदा के लिए समाप्त हो चुका है। अर्जुन, द्वारकाधीश आए हुए हैं। कहाँ है केशव? कहाँ है? कहाँ है केशव? मैं यहाँ हूँ पार्थ। प्रणाम, प्रणाम। तपस्या की सफलता के लिए बधाई हो पार्थ। जिस पर आपकी कृपा हो केशव, उसे तो सफलता मिलनी ही है। किंतु अब वो समय आ गया है अर्जुन, जब तुम्हें अपने जीवन का मूल उद्देश्य पूर्ण करना है। कौन सा मूल उद्देश्य केशव? जिसके लिए तुमने और हमारी कृष्णा ने वनों का कष्ट भोगा। ये खुले केस हर पल हर क्षण जिसका स्मरण कराते हैं, उस महासंग्राम का समय अब समीप आ रहा है पार्थ। हाँ केशव, यही बात मुझे भगवान शिव ने भी बताई। तो भोलेनाथ ने यह भी बताया होगा कि तुम चाहो या ना चाहो, युद्ध निश्चित है। यह मैं क्यों नहीं चाहूंगा केशव? जो कार्य होना निश्चित है और जिसके निमित्त मैंने ये जीवन धारण किया है, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भोलेनाथ ने तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं अर्जुन, ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। तुम सब अब चिंता करना छोड़ दो, कष्टों के दिन अधिक नहीं है। पांचाली की भी प्रतिज्ञा का पूर्ण होने का समय आ गया है। भीम, तुम्हें स्मरण है, पांचाली ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने केस तभी बांधेगी जब तुम उसे कौरव पुत्र दुशासन के रक्त से सींचोगे। ये कार्य तुम्हें ही करना है, तुम ही कर सकते हो, तुम्हें करना होगा। शक्ति और प्रेरणा लेके है महामना, अब सहायतार्थ धर्म युद्ध में पधारिए। अब सहायतार्थ धर्म युद्ध में पधारिए। रण प्रवीण है अमर, शीश पर महासमर,
रण प्रवीण है अमर शीश पर महासमर बन के माझ पार समर सिंधु से उतारिए शक्ति और प्रेरणा लेके है महामना अब सहायता धर्म युद्ध में पधारिए अब सहायता धर्म युद्ध में पधारिए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हम करते सादर पांडव तो सौ हैं कौरव उनके पक्ष में गुर्जन सारे उनके पक्ष में गुर्जन सारे गुर्जन के संग दुर्जन का दल युद्ध के हेतु हमें ललकारे युद्ध के हेतु हमें ललकारे राज्य विहीन है पर महाभारत लड़ने चले हैं भरोसे तिहारे राज्य विहीन है पर महाभारत लड़ने चले हैं भरोसे त्योहार धर्म का संकट दूर करो हे संकट मोचन देव हमारे धर्म का संकट दूर करो हे संकट मोचन देव हमारे बाण सब अचूक हो शत्रु टूक टूक हो शत्रु सब अचूक हो शत्रु टूक टूक हो एक पीस दे आशीष आपदा निवारिए एक पीस दे आशीष आपदा निवारिए शक्ति और प्रेरणा लेके है महामना अब सहायता धर्म युद्ध में पधारिए अब सहायता धर्म युद्ध में पधारिए जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हम करते सागर आवार सागर लांग पहुंच गए लंका अक्षय से खल शेखर डारे अक्षय से खल शेखर डारे सीता की शोक अग्नि को लेकर रावण का गण फूक दिया रे रावण का गण फूक दिया रे तुम्हें हो के सहायक अपने राम के काज संवारे धर्म के युद्ध में हो के सहायक अपने राम के धर्म का संकट दूर करो हे संकट मोचन देव हमारे धर्म का संकट दूर करो हे संकट मोचन देव हमारे धर्म पर अटल रहे युद्ध में सफल रहे धर्म पर अटल रहे युद्ध में सफल रहे हे उदार पांडवों की प्रार्थना नटारिए शक्ति और प्रेरणा लेके हे महामना अब सहायता धर्म युद्ध में पधारिए जय हनुमान नमाम्यहम् सर्वेश्वर नमाम्यहम् ज्ञानेश्वर नमाम्यहम् धर्मराज सब हमें कहते हैं कपीश किंतु धर्म का अस्तित्व आप ही पे है टिका हुआ जय 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 हनुमान भीम और मारुति
दोनों पवन पुत्र है, दोनों आत्मजों में नाता भ्रात का जुड़ा हुआ। जय 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 हनुमान। दिव्य नाम हनुमान इंद्र ने किया प्रदान, इंद्र पुत्र अर्जुन है सेवा में खड़ा हुआ। जय 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 हनुमान। नकुल और सहदेव हम पौत्र उन्हीं सूर्य के, दिव्य ज्ञान जिनसे देव आपको मिला हुआ। जय 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 हनुमान। राम दूत जागिए, अब समाधि त्यागिए। राम दूत जागिए, अब समाधि त्यागिए। विष्णु में ही आज अपने राम को निहारिए। शक्ति और प्रेरणा लेके है महामना, अब सहायतार्थ धर्म युद्ध में पधारिए। अब सहायतार्थ धर्म युद्ध में पधारिए। पालक पिता, आज पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध आरंभ हो रहा है। पृथ्वी के सभी वीर अपने अपने पराक्रम दिखाने के लिए वहां उपस्थित हो रहे हैं। पांडव मेरा आह्वान कर रहे हैं, पालक पिता कृपया प्रकट होइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि इस युद्ध में मेरी भूमिका क्या होगी। कृपया प्रकट होइए पालक पिता। उनके साथ स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण अवतार रूप में उपस्थित हैं, तो तुम क्यों चिंतित हो रहे हो मां? पालक पिता, प्रणाम पालक पिता। पालक पिता कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पालक पिता उठो हनुमान। हनुमान, इस धर्म युद्ध में भगवान के साथ साथ भक्त को भी अपनी भूमिका निभाने के लिए उपस्थित रहना होगा। परंतु पालक पिता मैं। हनुमान, तुम्हारे अंतर्ध्वन को मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि इस रणभूमि में समस्त वीर अपना अपना बल और रण कौशल दिखाने को उतावले हैं। इन समस्त वीरों का अंत क्या होगा पालक पिता? ये किस परिणाम तक पहुंचेंगे? हनुमान, युद्ध की विभीषिका में असंख्य योद्धाओं का अंत होगा, यह निश्चित है। तुम तो इसे भली भांति परिचित हो। अर्थात महाविनाश? हाँ हनुमान, संघर्ष का मात्र यही परिणाम होता है। परंतु पालक पिता, यदि यही अपार शक्ति प्रदर्शन युद्ध की अपेक्षा मानव कल्याण और धर्मोत्थान में किया जाता तो कितना अच्छा होता। हनुमान, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य अपने अहंकार के मद में चूर मदांध हो जाता है तब युद्ध की विभीषिका ही उसके गर्व का हनन करती है, उसे दंडित करती है, और तब उसकी बुद्धि सच्चाई की ओर प्रेरित होती है। क्या इस सत्य को मनुष्य नहीं जानता? यही तो मनुष्य की विडंबना है हनुमान। मनुष्य जानता सब कुछ है किंतु अपने अहंकार के मद में चूर होकर स्वयं अपने लिए विनाश की रचना करता है। यह सत्य तुम इस युद्ध में देखोगे। किंतु हनुमान, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें अन्य योद्धाओं के भांति शस्त्रों का उपयोग नहीं करना है, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से सत्य एवं शुभ शक्तियों का साथ देना है और इस संसार को बताना है कि जहां जहां धर्म की हानि होने की संभावना होती है वहां वहां तुम
महावीर हनुमान, संकट मोचन हनुमान, धर्म के रक्षार्थ सदा उपस्थित रहते हो। परंतु पालक पिता पवनदेव, क्या मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं कि मैं भी इस युद्ध का समर्थन कर रहा हूं? हनुमान, समर्थन के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है? एक और पाप है तो दूसरी ओर पुण्य, एक और अनीति है तो दूसरी ओर नीति। जब अन्याय ने अपना विकराल मुंह खोल ही दिया है तो क्या न्याय के रक्षार्थ तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य नहीं हो जाती? हनुमान, यही तुम्हारा कर्तव्य है। निस्संदेह पालक पिता, निस्संदेह यही मेरा कर्तव्य है। पर हनुमान, तो फिर निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो पूर्व निश्चित है। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान को अपना समर्थन दो। आओ, मैं तुम्हें गंतव्य स्थल तक लेकर चलता हूं। आओ हनुमान। Oh,
युवराज दुर्योधन की क्या बात है पार्थ? कुछ नहीं। केशव, यह मैं क्या करने जा रहा हूं केशव? युद्ध। युद्ध किससे? अपने शत्रुओं से। मेरे शत्रु? ये आप क्या कह रहे हैं केशव? जो सत्य है केशव, तनिक उधर देखिए, कौन है भीष्म पितामह जिनकी गोद में मेरा बचपन खिला है? गुरुदेव द्रोणाचार्य जिनकी अनुकंपा से मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वो देखिए, गुरुदेव कृपाचार्य जिनसे दीक्षा पाकर मुझे लोक परलोक का ज्ञान प्राप्त हुआ। दुर्योधन, दुशासन और मेरे अन्य भाई, ये मेरे शत्रु नहीं हो सकते, ये मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे अपने हैं। अपने? पार्थ, जिन्हें तुम अपना कह रहे हो कोई अपना नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? ये सब जो मैं देख रहा हूं, क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं है कि अपनों का रक्तपात करके अधिकारों को प्राप्त करने की कामना को लेकर मैं यहां युद्ध करने आया हूं? केशव, ऐसे अधिकारों का मैं क्या करूंगा जिनके लिए मुझे अपनों की देह छत विच्छेद करनी होगी? ऐसे राजवैभव का मैं क्या करूंगा जिसके लिए मुझे अपने पितामह की हत्या करनी होगी, अपने गुरुदेव पर शस्त्र उठाने होंगे, कुल गुरु और अपने भाइयों के रक्त की धारा को रंजित करना होगा? क्यों केशव, क्यों? तुम भ्रमित हो रहे हो। सुनो पार्थ, ये नाते, ये संबंध सब भ्रम पर आधारित है। ना तुम्हारा कोई था, ना तुम्हारा कोई है, ना तुम्हारा कोई रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं केशव? तुम स्वयं भी अपने नहीं हो। इस जन्म से पूर्व तुम क्या थे नहीं जानते, इस जन्म के बाद तुम क्या होगे ये भी नहीं जानते। मोहवश तुम जिन्हें अपने सगे और संबंधी कह रहे हो, वे इस जन्म से पूर्व क्या थे नहीं जानते, इस जन्म के बाद वे क्या होंगे ये भी नहीं जानते। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता केशव, मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। यदि इसी प्रकार अपने मूल उद्देश्य से विमुख होकर क्षत्रिय धर्म की अवहेलना ही करनी थी
तो क्यों संकट मोचन हनुमान का आह्वान किया? क्यों विजय की कामना से उन्हें अपनी युद्ध भूमि में आमंत्रित किया? क्यों? अब तुम अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख नहीं हो रहे हो अर्जुन? हे केशव, मेरे अंतर्द्वंद को समझने की चेष्टा कीजिए। केशव, मेरे अंतर्द्वंद को समझने की चेष्टा कीजिए। मेरे ज्ञान चक्षु खोलिए केशव। मेरा धर्म क्या है मुझे बताइए केशव, बताइए केशव, मेरा धर्म क्या है? कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो। जिन्हें तुम अपना कह रहे हो ना, वे तुम्हारे कोई नहीं। तुमने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सृष्टि संतुलन चाहती है, इसीलिए ये महायुद्ध रचा गया है। किंतु केशव, ये जघन्य कृत्य तो मेरे द्वारा ही किया जाने वाला है ना? तुम स्वयं कुछ नहीं कर रहे, करता तो कोई और है। तुम तो मात्र माध्यम हो पार्थ। पार्थ पाप विरोधियों का वध नहीं, पाप अपने मूल उद्देश्यों से विमुख होना है। धर्म से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है पार्थ। अर्जुन, अब उठाओ शस्त्र और इस महासंग्राम के महानायक का कार्य प्रारंभ करो, जिसका गौरव तुम्हें प्रदान किया गया है। Thank you.
जाएगा कि वीरता में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तुम या मैं? दुर्योधन, मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था, आज मैं तेरा अंग भंग कर दूंगा। Oh!